बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुनअलैकुम नाज़रीन। आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आलिम के इल्म से फ़ायदा उठाया जाए वो 70,000 आलिमों से बेहतर है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर मंतज़ा ज़हरा। सलामुनअलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू मंतशा, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। माई नेम इज़ मंतशा, आई हैव अपियर्ड फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई एडमिशंस। आई एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व द कम्युनिटी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है? यस। ओके, और आप फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपके नीट में अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स आए और आपको जो सीट चाहिए वो मिले और आप इंशाल्लाह डॉक्टर बने। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं? दीनी इल्म थ्रू मजलिस, एट टाइम्स थ्रू रीडिंग इस्लामिक बुक्स। वेरी नाइस। तो हम दुआ करते हैं कि ये जो आपकी नॉलेज है वो आपका साथ दे और ये सफ़र, आज का जो है सवालों का सफ़र, वो आपके लिए ईजी हो इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मंतशा। आप शो के रूल से तो वाकिफ ही होंगी। Yes. तीन लेवल हैं और हर लेवल में 5 सवाल हैं और कोई भी डिफ़िकल्टी है तो 3 लाइफलाइन मौजूद है, 50-50, डबल फ्रीज या फिर फ्लिप। उसके अलावा एक और लाइफलाइन है जो है सेफ्टी नेट, जो ऑटो एक्टिवेटेड रहती है लेवल 1 में। अगर आपका कोई जवाब गलत होता है लेवल 1 में तो आपको सेफ्टी नेट के ज़रिए एक और चांस दिया जाएगा। रेडी हैं आप? यस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं लेवल 1 के पहले सवाल की तरफ। नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर तकबीरतुल एहराम का कहना कौन सा रुकन है? ए वाजिब, बी मकरू, सी मुस्तहब या फिर डी मुबा। ए वाजिब। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर ले? हाँ। कंप्यूटर, ऑप्शन ए वाजिब को महफूज करिए और हमें बताइए यह सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए वाजिब इसका बिल्कुल सही जवाब है। तकबीरतुल एहराम का कहना वाजिब है और अगर ये ना कहा जाए तो हमारी नमाज बातिल है, हमें फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस जालिम बादशाह के दौरे हुकूमत में पैदाइश पाई? ऑप्शन ए हामान, बी शद्दात, सी नमरूद या फिर डी फिरौन। सी नमरूद। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर, ऑप्शन सी नमरूद को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी नमरूद इसका बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के दौर में पैदाइश पाई थी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, आपको इस इमेज को ध्यान से देखना है और बताना है ये कौन सा बर्ड है। ए पिकॉक, बी पैरट, सी ईगल या फिर डी वल्चर। बी पैरट। कॉन्फिडेंट? यस। बहुत इजी सवाल था। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर, ऑप्शन बी पैरट को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब था। ये जो इमेज थी वो पैरट की थी। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के लिए फरमाया कि ये हम अहले बैत में से हैं? ए मिकदाद, बी अबू ज़र, सी अबू अय्यूब या फिर डी जनाब सलमान फ़ारसी। डी जनाब सलमान फ़ारसी। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लो? यस। कंप्यूटर, ऑप्शन डी जनाब सलमान फ़ारसी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी जनाब सलमान फ़ारसी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जनाब सलमान फ़ारसी जो हैं वो फ़ारस शहर में रहते थे, पर जब उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला तो वो वहाँ से मदीने आ गए और फिर वो रसूल खुदा के सहाबी बने। इसी के साथ बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम जनाब हारून अलैहिस्सलाम के किस बेटे के नाम पर है? ए शब्बर, बी शब्बीर, सी मुबशिर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। पहली बार कोई क्वेश्चन के लिए मैं आपको सोचते हुए देख रही हूँ। आई एम श्योर ये भी आपने मजलिसों में सुना होगा।
दैट शबर और शब्बीर सुना हुआ है बट कन्फ्यूजन है कि किसके लिए था. ए शबर. श्योर? यस. महफूज कर लूँ? यस. कंप्यूटर ऑप्शन ए शब्बर को महफूज करिए और मैं बताइए ये सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन ए शब्बर इसका बिल्कुल सही जवाब है. शब्बर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए था, शब्बीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए था और मुबशर जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम के लिए. ये जो शब्बर शब्बीर और मुबशर है ये इब्रानी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं. ओके. और यही जो है अरबिक में उसका मीनिंग होता है हसन हुसैन और मोहसिन. इसी के साथ बड़ी आसानी से विदाउट सेफ्टी नेट के इस्तेमाल के आपने हमारा लेवल 1 कम्प्लीट कर लिया है. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर. अभी थोड़ा नर्वसनेस खत्म हो गया. यस. है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया. चलिए बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन. हमारे साथ है सिस्टर मंतशा ज़हरा, जिनके साथ हम शुरू करेंगे अब लेवल 2. सिस्टर रेडी हैं? यस. लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. कुर उस पानी को कहते हैं जो ऐसे बर्तन या हौज को भरे जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई डैश हो. ऑप्शन ए 4-4 बालिश, ऑप्शन बी 7-7 बालिश, ऑप्शन सी 8-8 बालिश या फिर ऑप्शन डी 3.5-3.5 बालिश. आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफ लाइन. यू वॉन्ट अ लाइफ लाइन. आपकी तीनों लाइफ लाइन बाकी हैं, 50-50, फ्लिप या डबल फ्रीज. कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? फ्लिप. फ्लिप. आप चाहती है कि इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए. चलिए कंप्यूटर इस क्वेश्चन को फ्लिप के जरिए रद्द कर दीजिए और हमारे सामने एक नया क्वेश्चन लाइए. मंतशा फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो कौन सा होता? सी. ऑप्शन सी 8-8 बालिश. चलिए इसे महफूज करते हैं और देखते हैं क्या ये सही जवाब है. 8-8 बालिश इसका बिल्कुल गलत जवाब है. सही जवाब है 3.5-3.5 बालिश. कुर पानी है उसकी मिकदार जो है वो 3.5-3.5 बालिश है. ओके. चलिए बढ़ते हैं फ्लिप्ड क्वेश्चन की तरफ. फ्लिप्ड क्वेश्चन एक ऑडियो क्वेश्चन है. आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा जो आपको ध्यान से सुनना है और बताना है कि ये कौन से सूरह की आयत है. कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. Can you play the audio again? बिल्कुल. कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. सूरह ज़लज़ल. कॉन्फिडेंट? यस. महफूज कर लूँ? यस. कंप्यूटर ऑप्शन सी सूरह ज़लज़ल को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन सी सूरह ज़लज़ल इसका बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा किया कि आपने लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर गलत था. yes. और जब आपने फ्लिप किया क्वेश्चन तो ये जवाब सही है, तो लाइफलाइन आपके काम आई. चलिए बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ. इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? ए अबू जाफर, बी अबू तुराब, सी अबू हमीद या फिर डी अबू अय्यूब. ए अबू जाफर. कॉन्फिडेंट? यस. महफूज कर लूँ? यस. कंप्यूटर ऑप्शन ए अबू जाफर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन ए अबू जाफर इसका बिल्कुल सही जवाब है. अबू जाफर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की कुनियत है. बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. हज़रत याया अलैहिस्सलाम किस नबी के फ़र्जंद थे? ए जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, बी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, सी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर डी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम. डी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम. कॉन्फिडेंट? यस. थोड़ी डाउट में लग रही हैं आप. श्योर हैं? हाँ.
कंप्यूटर ऑप्शन डी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी आप मंदशा, फिर भी आपने जवाब दिया ऑप्शन डी जनाब ज़करिया। क्या लगता है सही जवाब है? 90% श्योर के सही है। 90% श्योर। सो ये जो 90% श्योरिटी है आपकी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है। जनाब ज़करिया के जो फर्जंद थे वो जनाब याह्या थे। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, आपको ये इमेज ध्यान से देखनी है और बताना है कि वजू का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है। ए हाथों का धोना, बी मुंह का धोना, सी सर का मसा, या फिर डी पैर का मसा। ए हाथों का धोना। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? इजी था बहुत। कंप्यूटर ऑप्शन ए हाथों का धोना को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। हाथों का धोना जो वजू का एक पार्ट है वो बताया गया है इस इमेज में। बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम क्या है? ए लाबान, बी सारान, सी हारान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम क्या है? पढ़ा है इस बारे में कुछ? नहीं। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफ लाइन। कौन सी लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे आप? 50-50। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफ लाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप दो गलत जवाबों को मिटा दीजिए। मंतशा आपके दो गलत जवाबों को मिटा दिया गया है और अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी सारान और ऑप्शन सी हारान। अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है? अभी भी श्योर नहीं है? क्या करना चाहेंगे? अब आपके पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची है, डबल फ्रीज, जो इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हारान। महफूज कर लूँ? यस। श्योर? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी हारान को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। मंतशा आपने लाइफलाइन इस्तेमाल किया और फिर भी आप श्योर नहीं थी, आपने डरते डरते जवाब दिया सी हारान, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ गेस वर्क करते हुए आपका ये जवाब सही निकला और आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानते हुए कि लाइक आप मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ आपकी दीनी नॉलेज भी इतनी अच्छी है। कोई भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जल्दी जल्दी जवाब दिया। अभी इसी कॉन्फिडेंस के साथ इंशाल्लाह लेवल 3 में भी आप सारे सवालों के सही सही जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह। आपकी दो लाइफलाइन यूज हो चुकी है और आपकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। ओके, लेवल 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। हमारे साथ है सिस्टर मंतशा जहरा, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है दो लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। मंतशा रेडी है आप? यस। ऑल द बेस्ट फॉर लेवल 3। थैंक यू। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। औस और खजरज जिनके नाम पे मदीने में दो कबीले आबाद थे, वो दोनों शख्स कहाँ से आए थे? ए इराक, बी लबनान, सी सीरिया, या फिर ऑप्शन डी यमन। सुना है इस बारे में, पढ़ा है कुछ? कुछ भी नहीं। औस और खजरज कौन है ये भी नहीं पता? नो। कोई बात नहीं मंतशा, आपकी एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, डबल फ्रीज, जिसके जरिए आपको जो दो आंसर ज़्यादा श्योर लगता है कि ये होंगे आप वो एक साथ महफूज कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे?
I'll go with the lifeline. You want to use double freeze? Yes. कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो मंतशा कौन से दो ऑप्शंस महफूज करना चाहेंगी आप? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी यमन महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी यमन को महफूज करिए और हमें बताइए क्या ये दोनों गलत है या फिर इनमें से कोई एक सही है। मंतशा कौन सा ऑप्शन पहले देखेंगे, सी देखेंगे कि पहले डी देखना है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पहले देखना है। कंप्यूटर बताइए क्या ऑप्शन डी यमन इसका सही जवाब है? यस यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। फिर से एक बार लाइफलाइन ने आपकी मदद की है और ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी यमन। औसो खजरत जो थे वो मदीने के दो कबीले जो आबाद है वो यमन से आए थे। ओके इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए हिजरत के बाद तो किस नाम के नाके पर सवार थे? ए नाका साले, बी नाका हुद, सी नाका कुसवा या फिर डी नाका यहया। व्हाट डस कुसवा मीन? नाका साले, नाका हुद, नाका कुसवा या फिर नाका याया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने दाखिल हुए हिजरत करके तो कौन से नाके पर सवार थे, उस नाके का नाम क्या था, उस कैमल का नाम क्या था? नाका साले, नाका हुद, नाका कुसवा या फिर नाका याया। आप थोड़ा अपनी मेमोरी पे जोर डालेंगे तो आई एम श्योर आपको याद आएगा। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया भी है कि जब रसूल खुदा मदीने में एंटर हुए तब वो उस नाके पे सवार थे और उन्होंने फिर उस नाके को छोड़ दिया और कहा कि ये जो ये नाका जिस घर के पास जाके रुकेगा मैं उस घर में ठहरूंगा। तो आपको उस नाके का नाम बताना है। आई वुड गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नाका कुशवा। Yes. क्यों लगता है कि आपको इसका नाम नाका कुशवा होगा? आई एम नॉट श्योर, इट्स जस्ट गेस वर्क। जस्ट अ गेस वर्क? यस। महफूज कर लूँ? यस। Yes. कंप्यूटर ऑप्शन सी नाका कुशवा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी नाका कुशवा इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपका गेस वर्क भी आपका साथ दे रहा है, आपकी लाइफ लाइन भी आपका साथ दे रही है। लगता है आप लेवल 3 कम्प्लीट करने वाली हैं। इंशाल्लाह। चलिए अब बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। मदीना जिसका असली नाम यसरब है इनमें से किस नबी ने आबाद किया था? इसहाक बिन इब्राहिम, बी यहूदा बिन याकूब, सी यूशा बिन नून या फिर डी इदरीस बिन शीस। ए इसहाक बिन इब्राहिम। महफूज कर लूँ? कॉन्फिडेंट? 90%। कंप्यूटर ऑप्शन ए इसहाक बिन इब्राहिम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। नहीं मंतशा, इस बार गेस वर्क ने साथ नहीं दिया। इसहाक बिन इब्राहिम इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूशा बिन नून। आई एम श्योर आपको ये याद रहेगा और आप इंशाल्लाह आगे और हिस्ट्री में पढ़ाई करेंगी और इंशाल्लाह हमारे अगले सीजन में फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। पर तब आप शायद डॉक्टर बन चुकी होंगी, है ना? क्योंकि आप लेवल 3 के 3rd क्वेश्चन पर आउट हो गई है इसलिए आप हमारी लेवल 2 की इनामी रकम हमारे शो से ले जाएंगी। सो ये है आपकी लेवल 2 की इनामी रकम 2,500 रुपये। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।